इसीलिए ये बहुत जरूरी है। बीस साल गुजर गया लेकिन ये मैं नहीं कहता हूं, मैं कभी भी निगेटिव नहीं हूं कि जो एसडीए का लड़ाई 30 साल के बाद मिला ये भी हासिल होगा अगर आप मजबूती से लड़ाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। मैं और ज्यादा नहीं इस टाइम लूंगा, धन्यवाद सभी का। आप लोग यहाँ पे अटेंडेंस है, आप इस कार्यक्रम को तो गेट मीटिंग बुला तो अभी हम देखता है जितना उपस्थित इतना कमती है, दुख का बात है। सब स्टाफ जो लोग है सबको संभव नहीं हर टाइम यूनियन में जाने के लिए, इसलिए हमारा ब्रांच से एक आयोजित किया जो आज गेट मीटिंग किया है। सबको क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या करना है ये बोलने के रियल सुरक्षित रहे। जैसा देखिए पुराना हम लोग पुराना हो गया, रिटायर किया, पेंशन मिल रहा है, मेरा फैमिली थोड़ा सुरक्षित है। लेकिन आज हम लोग इतना दिन से लीडरशिप कर रहा है, सब मेरा परिवार का मेरा मेंबर है, परिवार का मेंबर है, तो हमको मिलेगा, मेरा परिवार का बच्चा को नहीं मिलेगा, ये लोग हम लोग नहीं चाहता। इसलिए ये जो अरेंजमेंट किया आप लोगों के लिए आज गेट मीटिंग का माध्यम में आप लोग को सबको बुलाएगा, आप लोग को जानकारी देगा क्या होने जा रहा है, क्या होगा। तो आप लोग अगर नहीं आएगा तो कैसा होगा, रिटायर कीजिएगा, पेंशन नहीं मिलेगा तब कैसे। अभी जवानी आए चल रहा है, पहले हम लोग जब नौकरी में ढुका था यहाँ बहुत पुराना स्टाफ है, बहुत तनख्वाह कमती था, अभी थोड़ा डेवलप हुआ जो फाइनेंशियल थोड़ा अच्छा है, इसलिए जो नया लोग ढुका है ना वो लोग सोचता है पैसा चलो मिल जाएगा, डीए मिलेगा। ये डीए ऐसा नहीं मिलता है, डीए के लिए 3 महीने से फाइट चल रहा है, हमारा एनएफआर यूनियन लोग फाइट कर रहा है, डीएम को इतना परसेंटेज चाहिए, सब सोचता है सोके सोका अरे 4% मिल गया 5, ऐसा नहीं मिलता है। जब यूनियन नहीं लेगा आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तब डीए नहीं मिलेगा। हम एक बात बोलते हैं, हम दिल्ली में मीटिंग में गया, हम तो जाते हैं दिल्ली में, 3-4 साल पहले ये गवर्नमेंट एक बार बोला था साल में एक बार डीए देगा, एक बार देगा 1%, ज्यादा से ज्यादा 2%, अभी आप लोग को 2 बार मिल रहा है 8%, किस लिए, यूनियन के लिए। आप लोग को सोचना चाहिए, आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, नया नया जितना लोग आया बुरा मत पे हमारा बात में, आप लोग के लिए हम लोग ये जो गेट मीटिंग इंतजाम किया है आप लोग आए। किसी कोई कोई आदमी पार्टिसिपेट करता है जो यूनियन समझता है, और जो लोग नहीं समझते वो लोग आप लोग जो लोग एनपीएस वाला है वो लोग आप लोग को हम रिक्वेस्ट करेगा आप लोग उसको समझाए। विदाउट यूनियन प्लेटफॉर्म में आप कभी आपको जो डिमांड है नहीं मिलेगा, विदाउट डिमांड जो डिमांड है आप नहीं मिलेगा। आप एक हल्ला कीजिए ना ऑफिसर के पास, आपको प्रमोशन रुका दिया जाए जाओ, अभी टाइम नहीं है बात करने का, लेकिन आप लोग को यूनियन का मार्फत में जाने पड़ता है। क्यों, तब यूनियन का बोलने से तुम जाओ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, गवर्नमेंट हम लोग को रिकॉग्नाइज दिया, इसी ये प्लेटफॉर्म लेकर हम लोग फाइट कर रहा है, दिल्ली में भी फाइट कर रहा है, तो आप लोग को तो सपोर्ट चाहिए, आप लोग को सपोर्ट नहीं तो किसको देगा यूनियन करेगा। आप लोग खुद अपना गड्ढा में ढुक रहा है, आप लोग को हम हाथ जोड़ करके इंतजाम ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम सीनियर लीडर हो गए, आप लोग आए सबको समझाए जे भाई यूनियन में आओ, ऐसा गेट मीटिंग बुला रहा है, गेट मीटिंग सुनो क्या हो रहा है, आप लोग को ओल्ड स्कीम में नहीं ले आएगा, ये ले आने के लिए हम लोग फाइट कर रहा है, फाइट करते करते मिलेगा। एक बच्चा जब रोता है ना उसको मम्मी जाके दूध पिलाता है, दौड़ के जाके दूध खिलाता है, जितना टाइम नहीं रोता सोता है उसको मम्मी दूसरा काम करता है, तो आप लोग नहीं रोने से नहीं मिलेगा, तो ये समझे। आप लोग को बोनस भी नहीं देने मांगता है, बोनस भी यूनियन का 25% के ऊपर में आप लोग को बोनस मिलता है, आप लोग को जानता नहीं। रेलवे में बहुत पोस्ट एबलिश करता है, इसका पहले भी किया था, आप लोग को पता नहीं, वो भी एबलिश का परसेंटेज बना दिया यूनियन पकड़ के, नहीं इतना करने नहीं देगा, इतना करने पड़ेगा, प्रमोशन लेक्चर ऊपर पोस्ट में पोस्ट ज्यादा किया, किस लिए, सबके लिए, अभी नया जो लोग ढुका है उस लोग के लिए, तो आप लोग क्यों नहीं समझे, आप लोग तरफ कैसा क्या करना है, आप लोग भविष्य की चिंता कीजिए। अभी जवानी है आप लोग चल रहा है, अरे 2 दिन बाद आप लोग भी बुढ़ा होगा, तब पेंशन नहीं मिलेगा, वो बीवी बच्चे को कैसा खिलाएगा, कैसा चलाएगा, पैसा जो हाथ में रहता है ना वो खर्चा हो जाता है, पैसा आने से पैसा ऐसा चीज है हाथ में रहते खर्चा होता है, लेकिन आपको फिक्स पेंशन होगा, आप नहीं रहेगा गुजर जाएगा तो आपको बीवी को मिलेगा, बीवी नहीं है तो उसके बच्चा को मिलेगा। या जो पहले पेंशन सिस्टम था बीवी आदमी गुजरने से खाली बीवी को मिलता है, अभी जो अनमेरिड डॉटर है उसको मिलता है, लड़का लोग भी नौकरी नहीं मिलता तो उसको 25-30 साल एक सिस्टम है उसको भी मिलता है, कोई हैंडीकैप है उसको भी मिलता है, तो ये यूनियन लिया है सुविधा, तो आप लोग यूनियन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं समझते आप लोग, आप लोग थोड़ा समझे। अरे भाई आप लोग लिए तो ये हल्ला हो रहा है, सबको लिए, हमारा लिए, आपको लिए, सबको लिए, तो सब एक गोट होगा तो सरकार सुनेगा, एक आदमी तो सरकार बोलेगा खाली नेता लोग की भाषण देता है, कोई स्टाफ सपोर्ट नहीं करता है, आप लोग सपोर्ट नहीं करने से कैसे, तो सरकार का भी आदमी है यहाँ अभी रिपोर्ट देता है, जले नहीं और नेता लोग आके कुछ भाषण देकर चलेगा, कोई स्टाफ सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसा करते करते तो आप लोग को जो नया लोग ढुके लोग का भविष्य बहुत खराब है, इसलिए हम
आप लोग को रिक्वेस्ट करता है, जो लोग एनपीएस वाला है आप लोग है, दूसरा एनपीएस वाला को आप लोग समझाए जो भाई हम लोग को भविष्य ऐसा है, हमारा भविष्य के लिए आंदोलन करना है, आप लोग आओ, ये भविष्य हम लोग को हमारा बच्चा बीबी को भी सोचता है। तो जब आपको रिटायर करेगा तब क्या कीजिएगा, जो जो भी हम ज्यादा नहीं बोल रहे पानी का परिसा और भी कुछ भाषण देगा सही था हमारा सांस्कृतिक। तो आप लोग का हम रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग यूनियन में आए, बहुत चीज सब यूनियन फाइट करके आप लोग को मिल रहा है। हाँ आप लोग जो जो मिल रहे हैं ना, आप सोचते इजी सोके मिलते, नहीं सोके नहीं मिलता, सब यूनियन फाइट करता है उसका माध्यम में आपको मिलता है। तो ये थोड़ा सोचने पड़ेगा, ये बोल के आप लोग का रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग और बार जो आप लोग जो एनपीएस वाला है या जो है प्रेजेंट, ये लोग को रिक्वेस्ट करता है, आप लोग को दूसरे एनपीएस वाला को समझाए जो यूनियन में आओ, ऐसे गेट में सपोर्ट करो, नहीं तो भविष्य हम लोग खराब। ये बोल के मेरा वक्तव्य में खत्म कर रहा, जय हिंद वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मर्जी।